A very good morning to all dear students. How are you? चलो सब मस्ती में हैं, मैम को भी पता है, मैम भी मस्ती में है और आप लोग भी मस्ती में हैं. और मस्ती करते करते आज हमने अपना ई फैमिली वर्ड्स भी फिनिश करने वाले हैं. तो यस्टरडे हमने मिक्स वॉल साउंड किए थे जिसमें एट वर्ड्स वी हैव डन एड एंड एग वर्ड्स एंड वी हैव डन एन एंड वर्ड्स. सो आज बुक वाले अंकल ने बोला क्यों ना हम सभी बच्चों का टेस्ट लेते हैं. तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने आपको आज एन एन क्लस्टर वर्ड दिया है, इससे आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाना है. सो फर्स्ट एन एन के आगे मैंने कौन सा कंसोनेंट लगा दिया, ठ, तो ये बन गया ठ एन छन, जो आपने मैथ्स में पढ़ रखा है. चेकिंग किससे करते हैं हम, फ एन फैन से, ये आपने पढ़ रखा है. ह एन हैन, अंडा कौन देती है, मुर्गी, मुर्गी को क्या बोलते हैं, ह एन हैन, वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज ब एन बेन, कोई भी कॉन्सोनेंट, मैंने दैट डे भी आई हैव टोल्ड यू, यू कैन यूज एनी कॉन्सोनेंट सो दैट यू कैन योर सेल्फ मेक न्यू वर्ड, आप खुद से न्यू वर्ड बना पाए. अगर आपको पुराने वाले पिक्चर्स के याद है सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो. म एन मैन, ड एन डेन, ज एन जेन, य एन येन. So like this, I have made 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, look, so many words I have made from ana and cluster. क्यों बनाए, क्योंकि हमें consonants पता हैं, इसलिए हमने इनके आगे consonant लगा के new words बना दिए. Now again a very simple task, बहुत ही easy है. Picture देखना है, थोड़ा सा reading करके और write लगाना है. सो फर्स्ट पिक्चर, जैसा कि आपको मैंने बताया था, आपको कौन दिख रहे हैं, ये डॉक्टर अंकल हैं, स्टेटोस्कोप पहने हुए, उनके हाथ में एक एनिमल है. तो एनिमल के डॉक्टर को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, वेट. अब इसमें एक कन्फ्यूजन आप लोगों को ना रहे, इसलिए मैंने कल की क्लास में बताया था, डब्ल्यू का साउंड होता है वह, जो कि यूज़ आता है कोई भी जब गीली चीज़ हो जाती है उसके बारे में, और एक आता है वी का साउंड जो कि होता है व. तो डॉक्टर के लिए ओनली व का साउंड यूज आता है, डैट इज़ वेट. वी नेवर से वेट, वी नेवर, सुन रहे हैं, वी नेवर से वेट. This vet means gila and this vet means veterinary doctor. Next is पालतू जानवर के लिए हम क्या बोलते हैं, pet, pet, pet. And now this picture came which I am discussing here. Here wet and here wet. So अभी ये boy क्या है, गीला हुआ हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम, wet और wet. Come on, yes, इसको हम बोलेंगे wet. W, for at wet. So here we have finished with this work. It's very simple. You can make else word also. It's not compulsory that you have to write all these words. This is only your brain teaser exercise. Aapki brain ki exercise hai. So here we have finished with our letter E. E wall family words we have done. Now very quickly I want to tell you that today we will start a new concept. आज हम एक नया concept start करेंगे और उस concept का नाम है magic 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 articles. What is the name of the topic? Articles. आप ये सोचोगे articles क्या होता है, कुछ बर्तन होता है क्या, कोई खेलने का toy होता है क्या? नहीं, आर्टिकल खेलने का कोई टॉय नहीं होता है. आज का हमारा न्यू टॉपिक है आर्टिकल, जो मैम आपको बताएंगी. अच्छा, आपको ये ट्री दिख रहा है, कैन यू सी दिस ट्री? यस, एवरीवन कैन सी दिस ट्री. इस ट्री में क्या है, इस ट्री में आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ए ई आई ओ यू क्या थे? लेट मी गेस यस, गॉट एन आंसर. फाइव स्पेशल लेटर्स. और यहाँ पे जो मैम ने लिख रखे हैं जी टी एम आर वी क्यू एफ जे एस के पी डी एन सी डब्ल्यू बी आर, ऑल दीज आर कॉन्सोनेंट्स. वेरी गुड. सो वी हैव ऑलरेडी डन फाइव स्पेशल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट. सो टुडे फॉर आर्टिकल्स आई एम गोइंग टू नरेट अ स्टोरी. आर्टिकल्स के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी नरेट कर रही हूँ जो मैंने खुद ने अभी जस्ट बनाई है. होप आप लोगों को समझ में आएगी. अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना बहुत अच्छे से आ जाएगा. सो सबसे पहले जस्ट क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, फोल्ड योर आर्म्स, सिट स्ट्रेट, योर एंकल शुड बी स्ट्रेट, ओपन योर ईयर्स, ओपन योर ब्रेन ऑल्सो, नाउ लिसन टू मी केयरफुली. सो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात होती है,
ये सारे जो लेटर्स होते हैं ना, फाइव जो स्पेशल लेटर्स होते हैं ना, फाइव स्पेशल लेटर्स एक ट्री पर बैठे होते हैं। इनको क्या होती है, हमेशा पढ़ाई करने का मन करता है। ये कहता है मुझे पढ़ाई करनी है, हमें है ना खेलना इतना पसंद नहीं, हमें पढ़ाई करनी बहुत पसंद है। उसी पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा होता है जिसका नाम होता है ANN। क्या होता है उसका नाम, ANN। अब ये N बैठा 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 रहता है, बैठा रहता है। फिर ये ANN क्या करता है, इन सारे लेटर्स के पास जाता है। अब ये लेटर्स तो इतने बदमाश होते हैं ना, सारा दिन खाते रहते हैं, गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, बदमाशी करते रहते हैं। देखो कितनी हंस रही है, लाफिंग कर रही है, और सारा दिन पॉपकॉर्न ईटिंग करते रहते हैं। तो ये जो ANN है ना, ये इनके पास जाता है, इनको बोलता है मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। तो ये बोलते, तू हमसे फ्रेंडशिप करेगा? नो, हमारा तो फ्रेंड सिर्फ एक ही है, ए। इतने सारे दोस्तों का एक बेस्ट फ्रेंड कौन है, ए है। हम ए को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो ANN बोलता है, तुम इसको मत छोड़ो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो वो बोलता है, नहीं, हम आपको भी नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे पास सीट फुल हो गई है, क्या तुम्हें इसमें कहीं जगह दिख रही है? हम तो सिर्फ ए के फ्रेंड रहना चाहते हैं, और ए ने भी बोला हम तुझे एंटर नहीं होने देंगे। फिर वो बेचारा उदास होकर बैठ जाता है। इतने में क्या होता है, जो फाइव स्पेशल लेटर्स होते हैं ना, ये सुन रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं, यार ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ा ना कुछ होता है। तो ये क्या करता है, ये सारे लेटर्स क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये इसके पास आते हैं, इसको बोलते हैं कोई बात नहीं, शेक हैंड करते हैं इससे कि कोई बात नहीं दोस्त, डोंट वरी, अब तुम जहाँ जहाँ जाओगे ना, हम तुम्हारे साथ आएंगे। इसको गुस्सा आ जाता है, इसको बोलता है, अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ना, सिर्फ मेरे साथ मेरे फाइव स्पेशल फ्रेंड्स आएंगे, तुम लोग नहीं आओगे। तो इनका क्या होता है, अपना अपना ग्रुप बन जाता है। तो ANN के ग्रुप में कितने लोग होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, फाइव। और वो कौन से लेटर होते हैं, फाइव स्पेशल लेटर्स, AEIOU। और ए जो ए होता है, उसके पास टोटल कितने लेटर्स हो जाते हैं, 2121, जो कॉन्सनेंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, ए कहता है, अब जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा ना, वहाँ मेरे 21 लेटर्स आएंगे। और ANN बोलता है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा ना, मेरे 5 लेटर्स आएंगे। तो अब आपको ये पता करना है, और ये मैं आपको चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आज हम दो तरह के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, दैट इज ANN। सो अभी आप जल्दी से ए के सारे फ्रेंड्स एक साथ नहीं बोल सकते, बट हम ANN के सारे फाइव फ्रेंड्स बोल सकते हैं। तो ANN के फाइव फ्रेंड्स कौन से होते हैं, AEIOU, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। सो टेल मी, फ्रेंड्स ऑफ ANN, AEIOU, जहाँ पे भी ये सारे लेटर्स स्टार्ट होंगे ना, वहाँ उनके पास कौन लगेगा आके, ANN लगेगा। और जहाँ पे भी ये सारे लेटर्स आएंगे ना, उनके साथ कौन सा लेटर लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। आया समझ में? तो बड़म रम 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 रम, यस, हियर। आपकी स्पाइरल के बुक 68 नंबर पेज पर आज हम आर्टिकल्स का थोड़ा सा एक एक्सरसाइज रीड करते हैं, और देखते हैं कि आप सब लोगों ने मैम को कितने अच्छे से सुना है। अभी यहाँ पे आया है बी। अब क्या बताऊँ, बी फाइव स्पेशल लेटर है क्या? वेरी गुड। अरे वाह, किसकी आवाज़ आई है, सामर्थ की आई है, विवान की आई है, किसकी आवाज़ आई है, रात्रिका की आई है? देखो, बी है, बी स्पेशल लेटर नहीं है। सो स्पेशल लेटर नहीं है तो उसके साथ उनका फ्रेंड कौन नहीं होता है, स्पेशल लेटर का तो ANN होता है, और दूसरे वाला का क्या होता है, ए। तो उसके साथ क्या लगेगा, ए। ए ने बोला था जहाँ जहाँ ये लेटर्स जाएंगे मैं उनके साथ साथ जाऊँगा। इसी तरह सी, इस सी स्पेशल लेटर, क्या सी स्पेशल लेटर है? नो, स्पेशल लेटर नहीं है, तो इसके साथ क्या लगेगा, ए। इसी तरह डी, टू फ्रेंड्स थे, स्पेशल लेटर है ये? नहीं है। तो इन लेटर्स का फ्रेंड कौन था, इन लेटर्स का फ्रेंड कौन था, ए। तो देखो ए लग रहा है। इसी तरह एफ, एफ इसमें है, यस कॉन्सनेंट है, सो ए। ना हेयर जी, जी क्या है, फाइव स्पेशल लेटर्स में है। फाइव स्पेशल लेटर्स कौन से थे, AEIOU। अगर फाइव स्पेशल लेटर्स AEIOU होंगे तो उनके साथ क्या लगेगा, ANN लगेगा। अगर नहीं होंगे तो उनके साथ ए लगेगा। इसी तरह एच दे रखा है, एच का फ्रेंड ए, क्योंकि ये स्पेशल लेटर नहीं है। सो लाइक दिस, ये है ए की फैमिली। एंड लाइक दैट ये है, अब देखो ये स्पेशल लेटर आ रहा है ए। तो ए के साथ ए ने क्या कहा था, AEIOU ने क्या प्रॉमिस किया था, कि जहाँ पे भी तू जाएगा हमारा दोस्त, हम तेरे साथ चलेंगे। तो अब यहाँ पे कौन आ गया, ANN। इसी तरह यहाँ पे फिर ए है, तो इसका कौन सा फ्रेंड लगेगा, ANN।
इसी तरह अगेन ए, सो उसका फ्रेंड ए एन एन। यहाँ पे ई स्पेशल लेटर आ रहा है तो उसका फ्रेंड कौन है, ए एन एन। यहाँ पे स्पेशल लेटर क्या आ रहा है, ई, इसका फ्रेंड ए एन एन। इसी तरह आई स्पेशल लेटर है हमारा ए ई आई, तो उसके साथ स्पेशल कौन सा लगेगा, ए एन एन। इसी तरह ऑमलेट क्या है, स्पेशल लेटर है तो उसका फ्रेंड कौन है, ए एन एन। इसी तरह अ अम्पायर, फाइव स्पेशल लेटर्स में आ रहा है तो उसका फ्रेंड कौन बनेगा, ए एन एन। सो आज हमने क्या पढ़ा है, ए ई आई ओ यू, इनका फ्रेंड कौन होगा, जहाँ पे भी इनसे स्पेलिंग स्टार्ट होगा उसके साथ क्या लगेगा, ए एन एन। बाकी कोई भी लेटर आता है, कुछ भी आ जाए, उनके साथ सिर्फ कौन सा आएगा, ए, उनके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, ए। सो आप अच्छे से इस वीडियो को सुनना, समझना, और टुमारो हम इसके एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।